स्कैम चलता है। अब वो स्कैम चलता है कैसे वो मैंने पता लगाया। हाँ, सबसे बड़ा डायमंड रिंग सका सर, तुम्हारे जेब में पैसा है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज़ है, ठीक है, उसको मस्का मारना है, तो चुपचाप इसको गोल्ड सूट लेके आ जाओ। तो ब्लॉग बेस्ट ब्लॉग पर वीडियो क्या बोलते मेरे प्यारे पब्लिक, कुछ भी हो सकता है मैं भी करना ब्लॉग। और आज मैं आपको ना दुबई की ना सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट में लेके जा रहा हूँ, सबसे बड़ी, जहाँ पे ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है, वहाँ पे ना बहुत बड़ी डायमंड रिंग है और हम जाके उस डायमंड रिंग को लाइव देखेंगे। और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे ना यहाँ पे गोल्ड सस्ता है। अब बाकी में गोल्ड सस्ता है कि नहीं सस्ता है वो वहाँ जाके मालूम पड़ेगा, तो मैं भाग रहा हूँ। सुख जाने के लिए हमको लेना पड़ता है बोट, तो गोल्ड सुख बी एम टू का बोट, और जो बोट की कॉस्टिंग है वो है एक दिरहम, विच कम्स टू, अभी इंडिया में से कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, तो अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे ना तो यू विल थिंक कि आपने बहुत ज़्यादा पे कर दिया, तो आप इंडिया में कन्वर्ट मत करो। हाँ, ये हम लोग जा रहे हैं गोल्ड सुख। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड रिंग जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया हुआ है, ये है इसका ऑलमोस्ट वर्थ को दिखाना था हमने, अच्छा अबाउट 2 बिलियन समथिंग दिरहम्स, वेरी अट्रैक्टिव क्रेजी। ये तो जस्ट स्टार्ट है, पूरी मार्केट में ना आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मिलने वाले हैं, और गोल्ड की क्वालिटी तो पता है आपको अच्छी होती है, दुबई इट्स फेमस फॉर इट्स गोल्ड, और यहाँ का प्राइस में भी काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको तो वेट लगता नहीं है। अभी तो हमने जस्ट एक्सप्लोर किया है, मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, तो शायद अगर कुछ पसंद आ गया तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद हम लोग कुछ चेन रिंग्स विंग्स ले सकते हैं, तो फिलहाल तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भाई अगर अच्छा खासा तुम्हारे जेब में पैसा है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज़ है, ठीक है, उसको मस्का मारना है, तो चुपचाप इसको गोल्ड सूट लेके आ जाओ, ये सब उसको दूर से दिखाओ, सब गोल्ड दिखाइए, वो आपसे हो जाएगी इम्प्रेस, ठीक है। अब लेना दिलाना नहीं दिलाना वो आपके ऊपर में है, लेकिन मार्केट काफ़ी अच्छी है और जिस रेंज में और जिस शाइनिंग है ना इस गोल्ड में, काबिल तारीफ, बहुत ही खूबसूरत। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग मज़ा आ रहा होगा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आई ट्राई टू पुट सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन यहाँ पे धीरे धीरे। फिलहाल अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत बड़ी मार्केट है गोल्ड सुख की, अभी ना मैं अंदर घुसने वाला हूँ, घुस के आई एम गोना ट्राई टू रिमूव द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कि यहाँ का मतलब प्राइसेस क्या है, कितना डिफरेंस है, तो ताकि अगर आप आने की सोच रहे हो यहाँ पे तो आपका एक अपने एक बजट बना के आ सकते हो कि हाँ भाई मैं इतना बजट लेके आ रहा हूँ, तो इतने बजट में मेरे को इतना मैं परचेस कर सकता हूँ। तो अभी मेरे को थोड़ी सी चेन पेन चाहिए, तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 10,000 का डिफरेंस है इंडिया में और यहाँ के गोल्ड प्राइस में, बट क्वालिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्वालिटी ऑब्वियसली क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है गोल्ड की, क्योंकि दुबई का गोल्ड तो यार ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है और लोग कहाँ से आते हैं यहाँ पे दुबई का गोल्ड परचेस करने के लिए। अब यहाँ पे एक मसला है कितना कैरी कर सकते हो, क्योंकि कोई मुझे बोल रहा है कि आप मैक्सिमम 2 चेन 3 चेन बोल रहे हो, कोई मुझे बोल रहा है सर आप मैक्सिमम उतना, तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको ज़्यादा स्पेंड करना है तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप ना डायरेक्टली मुंबई एयरपोर्ट पे कंफर्म कर लो और यहाँ पे दुबई के एयरपोर्ट पे कंफर्म कर लो, बिकॉज पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपको दुबई के एयरपोर्ट पे छोड़ देगा, दुबई के एयरपोर्ट पे ज़्यादा आपको इशू क्रिएट नहीं करेगा, पर जब आप बैक जाओगे इंडिया में या मुंबई में तो शायद आपको वो रोक सकता है ऑब्वियसली। और एक चीज़ और है, आप बैग में लगेज में ज़्यादा गोल्ड नहीं रख सकते हो। मैंने उसको बोला कि यार मेरे को एक दो गोल्ड का बिस्किट दे दे, लाइक समवॉट अराउंड 500 ग्राम। बोला नहीं सर, अगर आप इतना लेके जाओगे तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। मैंने कहा कहाँ पे, मैं दुबई में तो आपको छोड़ देगा लेकिन शायद आपको मुंबई के एयरपोर्ट पे आपको होल्ड कर ले या दिल्ली के एयरपोर्ट पे आपको होल्ड कर ले, तो ये मसला है। तो हाँ, नो डाउट यहाँ की गोल्ड सुख मार्केट बहुत अच्छी है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो शॉर्टेड है, आप अपना परचेसिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, मतलब अगर आप 50,000 भी लेके आते हो इंडिया करेंसी में तो आप इजीली ना
दो चेन बना सकते हो 50,000 में आराम से, नेम प्लेट वाली। डिफेंस 10,000 के आसपास। कंसर्न ये है कि आप कितना कैरी कर सकते हो, कितना कैरी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे नहीं पता लोगों को, तो आप इनके पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और सेकेंड चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और सेकेंड चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा स्कैम चलता है। अब वो स्कैम चलता है कैसे है, वो मैंने पता लगाया कि यहाँ पे आप कभी भी ना लोकल, आपको लोग मिलेंगे लोकल्स कि यार सर आपको गोल्ड चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो उनसे आप नहीं लेना, क्योंकि क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, ये आपको गोल्ड जब आप चेक करोगे तो आपको गोल्ड दिखाएंगे लाइव, ठीक है। तो ज़्यादा मैक्सिमम होता है फॉरेनर के साथ, इंडियन के साथ ज़्यादा कम होता है, और पाकिस्तानियों के साथ भी थोड़ा कम होता है, लेकिन जो यूके यूएस जो टिपिकली जो फॉरेनर है ना, उनके साथ ऐसा बहुत होता है। क्या करते हैं, दिखाएंगे आपको रियल गोल्ड, पैक करेंगे आपके लिए फेक गोल्ड, और पैक करके आपको दे देंगे। और जब आप घर पे जाओगे, घर जाने के बाद जब आप उसको ओपन करोगे, तो आप बोलोगे अरे भाई गॉड ये क्या है, इसे फेक दे दिया। तो ये कंसर्न है, तो हमेशा एक चीज़ आप दिमाग में रखो, आप भी उसे गोल्ड परचेस नहीं करना है, आपको सीधा घुसना है शोरूम में, वहाँ से आपको गोल्ड परचेस करना है। तीसरा, चिल रहो, रिलैक्स मारो, तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, यूट्यूब पे अभी तो लंबी वाली सीरीज आने वाली है, तो भाई एक्सपो है यार, 2 से 3 महीने का पूरा प्लान है तुम्हारे भाई का, ऑस्ट्रेलिया यूके इंग्लैंड सिंगापुर सब सब शॉर्टेड है। तो इसी नोट के साथ आज का ब्लॉग इस पर मैं एंड करता हूँ, और आपको मैं बहुत जल्दी मिलूँगा स्ट्रीट डायरेक्ट एक्सपो में। इट्स नॉट अ कंप्लीट एंटायर दुबई का ब्लॉग, अच्छा मिनी ब्लॉग, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया गोल्ड सूप का बर्ड दुबई, फिर उसके बाद हेलो हाउ आर यू, हाय, ओ वाला माइक कितना परचेसिंग, ये बाइक परचेसिंग फ्रॉम मुंबई, यस आई एम यूट्यूब ब्लॉगर, अरे हां व्हाट्स योर नेम, माय यूट्यूब चैनल यस इट ही गुरजेत, गुरजेत ये मुझे रोका बाइक पूछने के लिए कि बाइक आपने कहां से लिया, ये बाइक मैंने मुंबई, तो अपना बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीडियोस। Floating through the air, the pain I
proud to make you.